बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे तीन अपराधी गिरफ्तार। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित भक्ति जागरण के दौरान बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पथलगड्ढा थाना पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में रूपेश कुमार, तिलेश्वर दांगी और पुरुषोत्तम पांडे शामिल हैं। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से देशी कट्टा, धारदार चाकू और घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया गया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिंहानी पंचमुखी मंदिर चौक के समीप स्थित ललकी माटी टोला से गिरफ्तार किया है। सभी सिंहानी और ललकी माटी गांव के ही रहने वाले हैं। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी बमबम कुमार, एसआई सुनील सिंह, एएसआई दिलीप यादव के अलावे सशस्त्र बल और आईआरबी के जवान शामिल थे। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पथलगड्ढा थाना क्षेत्र के सिंघानी के पास पंचमुखी मंदिर है, वहाँ पे विश्वकर्मा पूजा का जागरण चल रहा था। इस दौरान लगभग दो तीन लड़के के पास कुछ हथियार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में हमारे अधीक्षक महोदय के द्वारा एक छापामारी दल का गठन किया गया था और छापामारी दल द्वारा जब वहाँ पर पहुँचा तो हमारी पुलिस की टीम को देखकर तीन लड़के भागने लगे। खदेड़का का जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा, एक मोबाइल और एक धारदार चाकू बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ तीन लड़कों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ग्रुप से ऐसा संबंधित तो नहीं है, तीनों लड़के सिंघानी के रहने वाले हैं। एक का नाम रूपेश कुमार, दूसरा तिलेश्वर दांगी और तीसरा पुरुषोत्तम पांडे। इन लोग का अपराधी रिकॉर्ड है क्या सर? नहीं, इनका ये पहला अपराध था, शायद कहीं कोई करने की प्लानिंग कर रहे थे। ड्राइवर साहब गाड़िया में रह जाएगा उसमें थी। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।